और लगभग आज 15 साल ये होने जा रहा है। ये कल से पूजा प्रारंभ हो रहा है, इसमें कि कल कलश यात्रा होगा। यहाँ पिछले साल 351 औरतों ने कलश भरा था, इस बार अनुमानतः 451 कलश की व्यवस्था की गई है। और ये बाबूपुर घाट से कलश शोभा यात्रा आएगा मंदिर प्रांगण से बाबूपुर घाट, और वहाँ से फिर पुनः जलभरी करके यहाँ पर आएगा, और कल से पूजा का प्रारंभ होगा। और हमारी व्यवस्था में अगर देखें तो पाठ का तो पूरे दिन होगा ही, और शाम में प्रत्येक दिन शाम में संध्या में जो पर सामाजिक औरतें होती है वो गीत गायन करती है लगभग 10 बजे तक। किसी भी तरह का कोई भी अश्लील कार्यक्रम नहीं ही किया जाता है, और इस बार चूंकि इलेक्शन को देखते हुए निर्देशानुसार यहाँ किसी भी तरह का कोई भी बड़ी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा रहा है। हमारे यहाँ सप्तमी पूजा से मेला का आयोजन शुरू हो जाता है और ये निरंतर निर्वाध बढ़ते रहता है। सप्तमी में ज़्यादा भीड़, अष्टमी, नवमी, दसवीं, इस तरह से विसर्जन हम लोग उसके अगले दिन 19 तारीख को कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे आदमपुर, तिलका मंजी, जीरो माइल, मौर्या प्लेस, सबोट, और इधर सबोट, बाबूपुर, रजनडीपुर और आसपास के जितने भी गांव हैं उनसे आते हैं। और हमारे यहाँ प्रत्येक दिन अलग अलग तरह का भोग लगाया जाता है, जैसे में हलवा भोग, दही चूड़ा का भोग, खिचड़ी का भोग, लड्डू का भोग, जो कि हम लोग सभी सामाजिक लोगों के बीच वितरित करते हैं। और इसमें हमारे जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे हमारे समिति का सहयोग करते हैं। मेरा नाम सुमित कुमार सुमन हुआ, मैं इसी गांव रानी तालाब का मूल निवासी हूं। मैं इस बार मुझे ग्रामीणों द्वारा सचिव का पद चुना गया। ये गोपाल कुमार है, ये उप सचिव है, ये चंदन कुमार जो कि मुख्य कार्यकर्ता हमारे हैं।